आज मैं दिखाने वाला हूँ लोहरदगा जिला के सिन्हा प्रखंड में स्थित एक खूबसूरत पर्यटक स्थल जिसको धधरिया जलप्रपात के नाम से जानते हैं। यह लोहरदगा सिन्हा व गुमला रोड में सिन्हा से कुछ दूरी पर स्थित है और वहाँ से 14 किलोमीटर दूरी पर है। सिन्हा थाना को पार करने के बाद अर्रू से घुसना पड़ता है और अर्रू से होकर जाते हैं। यही वह रास्ता है जो बहुत ही ख़राब है। अभी तक इसमें प्रशासन ध्यान नहीं दिया है यहाँ तक जाने के लिए कुछ, लेकिन आप खूबसूरत नज़ारा देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यही वह पगडंडी है जिसके माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। धरधरिया जलप्रपात लोहरदगा जिला का सिन्हा प्रखंड में स्थित है और यह लोहरदगा का प्रसिद्ध जलप्रपात है। इसकी हाइट लगभग 250 फीट बताया जाता है। यह लोहरदगा की प्राकृतिक धरोहर है और बहुत ही प्रसिद्ध। अब हम पहुंच चुके हैं दोस्त उस जगह पर जहां पर यह जलप्रपात है। मैं अब सभी व्यूअर को इस जगह का खूबसूरत नज़ारा अच्छी तरह से दिखाने के लिए मैं शांतिपूर्ण कैमरे में कैद कर रहा हूँ। दोस्त देखते जाइए यहाँ का खूबसूरत झरना कितना मनोरम है और यह कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हम धीरे धीरे यहाँ के चारों तरफ का खूबसूरत नज़ारा दिखाने का प्रयास करूँगा। आप वीडियो में बने रहिए। इस झरने की अगल बगल जितने भी खूबसूरत जगह हैं उस सारी को कवर करने का प्रयास करूँगा। दोस्त आप देखते जाइए, मैं चारों तरफ वीडियो करने लगा हूँ। स्थानीय ग्रामीणों से बात करने से पता चला कि यहाँ पर हर समय पर्यटक आते रहते हैं। यहाँ पर दिसंबर से फरवरी के बीच में पर्यटकों का भीड़ काफ़ी देखा जाता है, क्योंकि यह इतना खूबसूरत जगह है इसलिए यहाँ पर हर कोई पिकनिक के लिए आता है और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण का आनंद उठाने में कसर नहीं छोड़ते हैं। दोस्त यदि आप इस झरने की ओर आने का प्लान बना रहे हैं तो आप भी दिसंबर से फरवरी के बीच आ सकते हैं। यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है, चारों तरफ घना जंगल ही जंगल दिखाई देता है और यह बहुत ऊंची पहाड़ से यह झरना गिरती है, इसलिए इसका नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए आप ज़रूर आने का प्लान कीजिए और इस झरने को निहारने का मज़ा लीजिए। वीडियो में बने रहिए दोस्त, हम अभी चारों तरफ का नज़ारा दिखाएंगे। यह कितना सुंदर है आप देख के महसूस कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। हम कैमरा के माध्यम से चारों तरफ इधर उधर करके आपको नज़ारा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो देखते रहिए यह नज़ारा। देखिए दोस्त, मैं इस जलप्रपात की हाइट को दिखाने वाला हूँ। थोड़ी ही देर में हम कैमरा की ओर करने वाले हैं। वो कितना ऊंचाई से यहाँ पर पानी गिरती है देखिए। यही वह जगह है जिसको धधरिया जलप्रपात कहते हैं। कितना हाइट से यहाँ जल गिर रहा है, देखने से कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्त कैसे नज़ारा वहाँ का खूबसूरत है। चारों ओर जंगल से गिरा हुआ यह जगह और पहाड़ से गिरती हुई पानी कितना अच्छा सुनाई दे रहा है। देखिए कितना ऊंचा है वहाँ का जगह। वीडियो में इसकी हाइट देखकर कमेंट करें दोस्त, इसकी हाइट कितनी है जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसकी हाइट कितनी है। बताया जाता है अब 250 फीट की ऊंचाई पर है। यदि आपको मालूम है तो आप भी बताइए इसकी हाइट यानी सही हाइट कितनी है। देखिए कितनी ऊंचाई से यह झरना गिर रहा है और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है दोस्त। तो देखते रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो में बने रहिए।
इसी तरह का खूबसूरत वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल ज्ञान मंच आरबी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी इस प्रकार का कोई वीडियो बनाऊं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना ना भूले दोस्तों।